वीडियो के इस अंक में हमारे द्वारा चर्चा और जिक्र होगा राम मंदिर अयोध्या का, जो कि प्रसिद्ध जन्मभूमि पर बना हुआ राम मंदिर है और जो विश्व धरोहर का स्वरूप ले रहा है। तो वहां से जो खबरें आती हैं, वह किस तरीके से जो एजेंडा पत्रकार हैं, जो द्वेष रखने वाले, जो मंदिर निर्माण से द्वेष रखने वाले जो तथाकथित कुछ चेहरे हैं, कुछ विपक्षी हैं, वह किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। जैसा कि आपने देखा होगा कि न्यूज चैनलों पर कुछ लगातार एक खबर आना शुरू हो गई कि राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। वही राम मंदिर जिसकी प्राण जिसमें जिसमें भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को भव्य और एकदम विश्व के अनोखे कार्यक्रम के साथ वहां पर हुई थी, और उसी के विषय में तमाम न्यूज चैनल और जो प्रिंट मीडिया है उसमें यह खबर छनती हुई आ रही है कि वहां पर मंदिर के निर्माण में कमियां हैं और पानी चू रहा है। लेकिन किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि मंदिर निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है और भक्तों को वहां प्राण प्रतिष्ठा कराने के साथ साथ श्रद्धालुओं और भक्तों को दर्शन के लिए वहां खोल दिया गया है। लेकिन इस संबंध में जो भी खबर, अगर विपरीत खबर आती है तो उड़ते हुए तीर को कुछ तथाकथित कुछ ऐसे लोग हैं जो राम द्रोही हैं या राम द्वेषी हैं, या राम मंदिर निर्माण का जब अभियान चल रहा था तब से वह प्रोपेगेंडा अगेंस्ट में चला रहे थे, तो ऐसे लोग उड़ते तीर को तुरंत लपकते हैं और सच की खबर जो पुष्टि होती है और सच वाली जो खबर होती है उसको सामने आने तक वह अच्छे से कहते हैं कि फैला देते हैं उस अपुष्ट खबर को या द्वेष भरी खबर को। तो यही हुआ, वहां के जो प्रधान आचार्य हैं पुजारी सत्येंद्र दास, वह लगातार जो कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं और उससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उनकी मंदिर ट्रस्ट और निर्माण समिति से कहीं ना कहीं अच्छी बन नहीं रही है। और वह चूंकि पुराने पुजारी हैं, उन पर उनका भी अपना एक प्रभाव है, उनका अपना एक स्थान है, और वह जो कहते हैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी जो मंदिर निर्माण समिति है या जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उससे कहीं ना कहीं उनका तालमेल समन्वय थोड़ा कम है, और यही कारण है कि कुछ भी खबर आपस में बात होने के पहले वह जो खुला पटल है समाचारों का, सोशल मीडिया का, उस पर यह बातें आ जाती। तो आचार्य सत्येंद्र दास ने क्या कहा था कि छत से पानी टपक रहा है, निर्माण कार्य में बहुत सी कमियां हैं और गर्भगृह में पानी भर जा रहा है। उन्होंने एक चीज और कही थी कि शनिवार की रात को 2 से 5 बजे के बीच में जो बारिश हुई थी उससे 4 इंच तक जो है गर्भगृह में और सामने वाले मंडप में पानी भर गया था, जिसके कारण वहां टॉर्च लेकर भगवान श्री रामलला की 4 बजे की आरती और 6 बजे की आरती टॉर्च लेकर करनी पड़ी। क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया कि अगर एक एक मतलब आशंका थी कि कहीं अगर वहां पर अगर करंट ऑन किया जाएगा तो हो सकता है कि करंट पानी में उतर जाए और किसी प्रकार की का हादसा हो सकता है, तो इसलिए वहां टॉर्च लगा कर की गई थी। और इसके पहले भी वहां पर आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा था कि पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई और मंदिर निर्माण पर जहां इतना खर्चा किया जा रहा है यह देखकर उन्हें अफसोस होता है कि मंदिर निर्माण में इतना पैसा लगने के बाद भी कमियां हैं। इस विषय में हम आगे बताएंगे, कमियां होने के कई कारण होते हैं, हमने भी भवन निर्माण कराया है अपने यहाँ, तो कमियां कैसे हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, इसमें जरूरी नहीं कि कमियां जानबूझ के की गई हैं या फिर किसी प्रकार का घोटाला किया गया है, क्योंकि जिस कंपनी के द्वारा इस पूरे मंदिर का निर्माण हो रहा है वह बहुत ही विश्वसनीय मंदिर है, उसका सर्टिफिकेट काफी प्रमाणित होता है। तो वहां पर उन्होंने आरोप लगाया था और इस आरोप के साथ सारे मीडिया में यह बातें तेजी से फैल गईं और उन राम भक्तों को जिनको कि वहां की निर्माण समिति पर भरोसा है उनका भरोसा भी डगमगाने लगा। लेकिन जल्द ही इस विषय पर वहां की निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, उन्होंने बैठक की और सारी चीजों का तथ्य सामने लाया। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं देखा है जाकर कि वहां पर क्या कमियां हैं, और उन्होंने बताया कि क्योंकि निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, निर्माण कार्य जब पूरा नहीं होता है तो कुछ व्यवस्थाएं अस्थायी होती है, जैसे कि मंदिर का जो गर्भगृह है उसके सामने गुड़ मंडप बना हुआ है, गुड़ मंडप का निर्माण कार्य अभी नहीं हुआ है और वहां पर अस्थायी गुड़ मंडप बनाया गया था, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए जब मंदिर खोला गया तो बहुत से सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया,
और उस बीच में तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब बारिश का चूंकि समय आ गया है और मंदिर निर्माण, मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर को जो खोला जाना था वह तो भक्तों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन अभी निर्माण कार्य बृहद स्तर पर बाकी है और यही कारण है कि कुछ कमियां आ रही हैं। उन्होंने बताया कि कुछ मोटे मोटे होल किए गए हैं, छेद किए गए हैं, रॉड डालने के लिए मंदिर में कई जगहों पर छेद किए गए हैं, और इसके अतिरिक्त ऊपर के तल का यानी कि प्रथम तल का निर्माण कार्य अभी चल रहा है यानी कि अधूरा है, और यही कारण है कि उसमें जो बहुत से जो बिजली के जो पाइप डाले गए हैं वह ऊपर कई जगह पर खुले हुए हैं और यह काफी बड़ी संख्या में है। तो जो जो बारिश हुई वह बिजली के पाइपों के माध्यम से होते हुए वह कुछ गर्भगृह में पहुंच गए, कुछ सामने वाले मंडप में पहुंच गई, तो यह बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आचार्य सत्येंद्र दास बराबर इस विषय को उठा रहे हैं यह आपसी समन्वय की कमी बताता है। तो आगे मैं बताता हूं कि जो निर्माण कार्य हो रहा है उसका सर्टिफिकेशन यानी CBRI रुड़की के इंजीनियरों के द्वारा उसको उसके निर्माण कार्य की सारी जो मॉनिटरिंग होती है, सारा जो चेकिंग होती है वो किया जाता है, और उसको विधिवत देखने के बाद, दो बार उसको देखने के बाद उसको प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्य संतोषजनक स्थिति में हो रहा है। लार्सन एंड टर्बो नाम की कंपनी ने उसके निर्माण कार्य बहुत से किए हैं। मंदिर नागर शैली में निर्माण हो रहा है। नागर शैली के मंदिर जो होते हैं ऊपर से थोड़े से खुले होते हैं, तो आगे भी भविष्य में जब मंदिर बन जाएगा तो पानी के कुछ छींटे आएंगे, और उन छींटों के आने से यह नहीं कहा जा सकता कि मंदिर की छत चू रही है। तो नृपेंद्र मिश्रा ने मीडिया में फैली हुई खबरों का खंडन किया, आचार्य सत्येंद्र दास की बातों का खंडन किया और उन लोगों को जवाब दिया जो रूमर फैलाने में लगे हैं। खासकर एक लोक गायिका हैं जिनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, नेहा सिंह राठौर, जो कि जिन्होंने लिखा कि मंदिर में घोटाला किया गया है, यह बहुत अफसोस की बात है। वो सत्य जाने बिना अपने एक ट्रेंड पर, जिस ट्रेंड के तहत वह सनातन मोदी और योगी का विरोध करती है, उनका बहुत प्रचलित गाना भी आया था यूपी में कहबा, उससे वो काफी फेमस हुई थी, काफी उनकी कमाई हुई थी और काफी उनको एक प्लेटफॉर्म मिला था, तो जिसका प्रयोग करके वह कभी कभी रूमर को भी पुख्ता करने की कोशिश करती हैं और इस तरीके के बयान देती हैं ताकि चीजें चर्चा में आ जाती हैं। और इसके अतिरिक्त आपने यह भी सुना होगा कि कई जगह रोड धसी हैं और राम मंदिर जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है उसकी दीवार गिर गई है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो सारा निर्माण कार्य हुआ था 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए काफी युद्ध स्तर पर हुआ था, और अगर आप वहां गए होंगे तो आप वहां के कार्य और वहां की प्रगति से अचंभित हो जाएंगे कि इतने कम समय में इतना सुंदर कार्य कैसे हुआ है। रोडें चौड़ी हुई हैं, दुकानें सुसज्जित हुई हैं, पूरा अयोध्या सजा हुआ है। 4 लेन रोड लखनऊ से लेके आसपास जितनी बस्ती, जौनपुर, जिधर भी गोरखपुर, जिधर भी रोडें निकलती हैं, सब बृहद स्तर पर वहां पर विकास के कार्य चल रहे हैं। तो विकास के कार्य जो चलते हैं उसे में कुछ परसेंट कमियां आती हैं, उन कमियों को भी समय पर भरा जाता है, लेकिन यह कमियां ना आए ऐसा नहीं होता है। तो कई ऐसे जगह पर आपने देखा होगा कि निर्माण कार्य होते हैं तो कमियां सामने आ जाती हैं, तो इस बात का जवाब भी दिया गया है। और जब युद्ध स्तर पर कार्य होता है तो कभी कभी कुछ जगह पर मतलब मानवीय कमियां हो जाती हैं, ह्यूमन मिस्टेक होती है, जहां पर कि जानबूझ की मिस्टेक नहीं होती है या किसी प्रकार घोटाला नहीं होता है, लेकिन कमियां हो जाती हैं, तो उन कमियों पर भी कार्य किया जा रहा है। बाकी सारी चीजों की सफाई नृपेंद्र मिश्रा ने दी है, लेकिन यह बराबर देखने में आता रहा है और आता रहेगा, क्योंकि बहुत खुशी लोगों को, कुछ लोगों को हुई अयोध्या से जब लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, तो उन लोगों को लगा कि अयोध्या की जनता ने तो उन्हें उनके इस विकास कार्य और इस मंदिर निर्माण को नकार दिया है। लेकिन अयोध्या तो पूरे विश्व की है, सिर्फ अयोध्या वासियों की नहीं है, और कुछ कारण रहे होंगे और कुछ विवाद भी सामने आए थे, जो कि राजू दास की जो तूतू मैमे और जो बहस हुई थी वहां के DM प्रशासन से, और इसके बाद उन पर कुछ कार्रवाइयां हुई थी, तो राजू दास की जो कुछ बातें हैं उसमें भी सत्य समझ में आता है। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि विकास कार्यों के कारण जो अयोध्या की जनता का अधिग की जमीनों का अधिग्रहण हुआ, उनके जो तोड़फोड़ हुए, उसमें वहां के प्रशासन ने जनता के साथ तालमेल नहीं बैठाया और इसके साथ साथ उनकी बात को नजरअंदाज किया। जब आप यह देख सकते हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्ति जो योगी आदित्यनाथ का काफी करीबी है, मैं राजू दास की बात कर रहा हूँ, जब वह आरोप लगाता है तो उसकी सुरक्षा तत्काल छीन ली जाती है DM प्रशासन के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक प्रभावशाली व्यक्ति अपनी बातें 4 जून के रिजल्ट आने के पहले से जब वो बातें उठा रहे थे
कि क्या क्या कमियां रही उस पर ध्यान दीजिए, जनता वहां की परेशान है उस पर ध्यान दीजिए। तो जब उन जैसे व्यक्ति की बात को नकारते हुए उनके खिलाफ डीएम ने कार्रवाई कर ली, तो आप समझ सकते हैं कि सामान्य जनता के साथ डीएम ने किया क्या किया होगा। और यही आरोप राजू दास ने भी लगाया था कि अयोध्या से बीजेपी के हारने का कारण यह है, इसकी खुलकर और सटीक समीक्षा होनी चाहिए। तो लगातार विरोधी पहले भी आरोप लगाते रहे हैं अयोध्या के हारने पर, अयोध्या के निर्माण, अयोध्या भगवान श्री राम लला के मंदिर के निर्माण से संबंधित, तो जो कुछ भी है ये पहले भी खबरें आती रही, आगे भी खबरें आएंगी। तो मेरा कहना यह है कि जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, जो मंदिर निर्माण समिति पर विश्वास रखते हैं, वह पुख्ता खबरों का इंतजार करें। और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी कहा है कि यहाँ से संबंधित आ रही सभी खबरों को वह खंडित करते हैं, उसका खंडन करते हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी प्रमाणित खबरें जो हमारे स्रोतों से, हमारे माध्यम से, जो हमारी जो प्रमाणित हमारे स्रोत हैं यूट्यूब और जो उनके अकाउंट हैं, उनसे निकली हुई बातों को ही पुख्ता और प्रमाणित समझा जाए, बाकी किसी भी प्रकार की जो बातें आ रही हैं वह प्रमाणित नहीं है, न उनको तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्रमाणित करता है, अधिकृत जानकारी उनके द्वारा ही मिलेगी। तो कुछ रूमर्स इस तरीके की फैलाए आगे भी देखने को मिल सकती है। तो यह उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर निर्माण कार्य अभी अपने प्रारंभिक चरण पर है, श्रद्धालुओं के लिए खोला गया, अभी बहुत सी चीजें वहां निर्माण कार्य की बाकी हैं, जैसे वहां पे ट्रस्ट का ऑफिस निर्माण, वहां पे यात्री सुविधा केंद्र वीवीआईपी प्रतीक्षालय है वह बनाया जाना है, म्यूजियम लाइब्रेरी बनाई जानी है, और वहां पर अभी बहुत से कार्य वहां पर बाकी हैं, 5 मंडप और 13 छोटे छोटे जो मंदिर वहां पे उस परिधि उस परिसर के अंदर बनने हैं यह बाकी हैं। और इन सभी का निर्माण कार्य में कहीं कोई कमी नहीं रखी जा रही है, अब तक 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और अभी बहुत खर्चे उसमें होने हैं। तो पर्याप्त भक्तों की तरफ से दान भी आ रहा है, जिसके कारण कहीं कोई कमी नहीं रखी जा रही है। और जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं उस सारे आरोप बेबुनियाद हैं। तो यह कुछ जानकारी थी जो कि मीडिया स्रोतों से हमें भी प्राप्त हुई है, प्रारंभिक स्रोत जो है वह मीडिया चैनल है, कुछ रामतीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो अकाउंट है उससे है। तो इन बातों का मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी आप तक रखी है कि आपने कुछ वीडियो देखे होंगे कि दीवार गिर गई, कहीं रामपद की सड़क धंस गई, तो यह छोटी मोटी चीजें पानी बरसने के बाद, बारिश होने के बाद कुछ चीजें सेटल होती हैं। और इसी तरीके का अटल सेतु का भी मुद्दा कुछ लोगों ने उठाया था कि जिसका 4 महीने पहले अटल नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया, उसमें दरारें आ गई, जबकि पुल पर दरारें नहीं आई हैं। जो पुल को कनेक्ट करने के पहले जो रोड होती है उसमें सॉयल सेटल होती है, यानी कि मिट्टी जो भरी गई है, मिट्टी बैठती है और मिट्टी क्या नाम है अच्छे से जो भरा हुआ है वो बैठती है, बारिश होने के बाद ऐसा होता है। तो यह घटना सामने आई है, कोई बड़ी बात नहीं है और इसका समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी और राम द्रोही, राम विरोधी, राम द्वेषी जिस तरीके से लपक कर ऐसे उड़ते हुए तीर को अपने स्थान विशेष पर लेते हैं, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी जानकारियों और घटनाक्रम की चर्चा और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।